नमस्कार मित्रों, तत्पुरुष समास आज का विषय है। ध्यान दीजिएगा कि तत्पुरुष समास जो है, मैंने कहा था कि शेषा तत्पुरुषो मतः, ये इसकी व्याख्या है कि शेष सब कुछ तत्पुरुष में आ जाता है, इसलिए इसका बड़ा विस्तार है और बड़े ही विस्तार के साथ इस समास का वर्णन पाया जाता है। लेकिन इसका सबसे प्रमुख जो भेद है वो तत्पुरुष का भेद कर्मधारय को माना जाता है। कर्मधारय में दो पद होते हैं और दोनों ही पदों में वचन, लिंग और विभक्ति जो कुछ होंगे वो एक समान होंगे, ये इसकी विशेषता है। इसके दोनों पदों में एक ही विभक्ति होगी, एक ही वचन होगा और एक ही लिंग होगा, ये इसका पहला नियम है। यानी ऐसा कब होता है, जब विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है तो इस प्रकार की बात होती है। अगर आप थोड़ा सा भी संस्कृत के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि जिस विभक्ति का विशेषण होगा विशेष्य भी उसी व्यक्ति विभक्ति का होगा। यानी विशेष्य के लिए विशेषणों का उपयोग होता है, तो विशेष्य अगर स्त्रीलिंग है, जैसे हम कहते हैं कि आदरणीय भाई साहब, लेकिन आदरणीय भाभी जी, ऐसा लोग वाक प्रयोग करते हैं। ये कुछ प्रक्रिया आगे तक बढ़ी और कहाँ तक हो गया, अगर स्कूल में प्रिंसिपल जो है आचार्य के रूप में कोई महिला है तो आचार्या लिखने लग गए लोग, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, आचार्य ही होता है चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि पद जो है वो विशेषण नहीं है, वो उसका पद है। और पद को आप ऐसा नहीं है कि अगर वो पुरुष है तो उसको राष्ट्रपति कहा जाएगा और अगर वो कोई स्त्री राष्ट्रपति बनती है उसको हम राष्ट्रपत्नी कहने लग जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो पदों के लिए विशेषण की तरह पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है, आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कई बार ऐसी भूलें विद्यार्थी किया करते हैं, और विद्यार्थी क्या, विद्यार्थियों के पिता भी किया करते हैं, बड़े बड़े लोग इस चीज़ की भूल किया करते हैं। माननीय प्रधानाचार्य श्री, इस तरीके से लिखेंगे, माननीय प्रधानाचार्य ही लिखा जाता है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन जब विशेष्य के लिए विशेषण का उपयोग होता है तो जिस विभक्ति जिस लिंग विशेष्य होगा उसी विभक्ति उसी लिंग का विशेषण होना चाहिए, ये नियम है। तो कर्मधारय समास जो तत्पुरुष का एक प्रकार माना जाता है, उसके दोनों पद में एक ही समान लिंग होंगे, एक ही समान वचन होंगे और एक ही समान विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो मुख्यत्वे अगर हम देखें कर्मधारय समास तो इसके पूर्व पद में विशेषण का उपयोग होता है। कृष्णः च असौ सर्पः च, काला है और ये सर्प है, तो काला सर्प अगर हम बोलते हैं, कृष्ण सर्पः जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे कौन सा, क्योंकि सर्प की विशेषता है उसका विशेषण काला, तो यहाँ पूर्व पद में विशेषण होता है, तब आप ये मान लीजिए कि यहाँ कर्मधारय। ये मोटी मोटी विशेषता बता रहा हूँ, देखिए और भी इसके प्रकार हैं, विशेषण पूर्व पद है, विशेष्य पूर्व पद है, विशेषण उभय पद है, उपमान पूर्व पद है, उपमान उत्तर पद है, संभावना पूर्व पद है, अवधारणा पूर्व पद है, ये इसके प्रकार हैं, सात प्रकार हैं इसके। लेकिन अधिकांश जो आपसे उदाहरण पूछे जाएंगे उसमें विशेषण पूर्व पद वाले उदाहरण हुआ करते हैं, जैसे नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। इसका विग्रह करने के टाइम पे आपको इसका जो दूसरा पद है उस पर ध्यान देना चाहिए। कृष्णः सर्पः कहा तो सर्प पुल्लिंग है अगर, तो आपको सर्पः में जो विभक्ति लगानी है आपको कृष्णः में भी वही विभक्ति लगानी है। लेकिन अगर हमने कहा रक्ता शाटिका, तो साड़ी अगर स्त्रीलिंग में है उसको हम शाटिका कहते हैं, तो शाटिका है तो रक्ता शाटिका होगा, साटिका में जो विभक्ति वही रक्ता में लगेगी, उसके विशेषण में वही विभक्ति लगेगी। पीतम अंबरम, अंबरम नपुंसक लिंग है तो पीतम भी नपुंसक लिंग में जाएगा, तो पीतांबरा जो है पीतम अंबरम तो पीतांबरा बनेगा। तो इस प्रकार के जिसके पूर्व पद में विशेषण हो उसको कर्मधारय समास, ये मोटी मोटी समझ है। सबसे पहला आप कर्मधारय की पहचान जो है वो इस तरीके से मान लीजिए कि दो पद होते हैं और जिसके पूर्व पद में विशेषण का उपयोग हो वहाँ कर्मधारय समास होगा। अब चाहे वो काली चाय हो,
चाहे वो गोरा आदमी हो, चाहे काला सर्प हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, लाल दुपट्टा हो, पीली साड़ी हो, इस प्रकार के जितने भी सुंदर व्यक्ति हो, तो व्यक्ति का वैशिष्ट सौंदर्य है, अगर सुंदरता उसका विशेषण है, उस पहले दिया हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए, पतला व्यक्ति हो, मोटा व्यक्ति हो, इन सभी जगह पे, देखिए मैंने कहा था कि हिंदी वालों को भी उपयोगी हो, इस प्रकार से ये उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, आप समझ लीजिए कि जिस पद के पहले पद में, जिस के पहले पद में इस प्रकार से उसकी विशेषता दर्शाई जा रही हो, वहाँ पे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। अब इसका दूसरा प्रकार है विशेष्य पूर्व पद। पूर्व पद में कई बार विशेषण की जगह विशेष्य का भी उपयोग होता है। वैयाकरण खसुची, वैयाकरण खसुची, देखिए यहाँ वैयाकरणी जो है, व्याकरण का जो ज्ञाता है वो वैयाकरणी है, लेकिन जो उसका विशेषण है खसुची, वो उसके पीछे दिया हुआ है। तो विशेष्य पूर्व पद का उदाहरण मयूर जंशकः, तो मयूर कौन सा मयूर, वंश का मयूर, तो यहाँ पे मयूर जो है वो विशेष्य है, व्यंशक उसकी उसका विशेषण है, लेकिन उसको पूर्व पद में, तो विशेष्य पूर्व पद का ये उदाहरण हुआ। विशेषण उभय पद, दोनों पदों में जब विशेषण का उपयोग हो, तो भी देखिए विशेषण और विशेष ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ये जहाँ हों वहाँ अधिकांश आप ये मान के चलिए कि यहाँ कर्मधारय समास, तो विशेषण उभय पद के उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं पूर्वः स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, स्नाता अनुलिप्तस्य, अब स्नान करना और उसके बाद अपने ऊपर लेपन कर लेना। देखिए संस्कृत की पद्धति, हमारी भारतीय आयुर्वेद की पद्धति ये कहती है कि आपको स्नान करने से पहले तेल मालिश करनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तेल मालिश आपको पहले करनी है, स्नान आपको बाद में करना है, लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, नहा के निकलेंगे फिर शरीर पे तेल लगाएंगे या क्रीम लगाएंगे। अब चूंकि क्रीमें आ गई हैं, बॉडी लोशंस आ गए हैं, इसलिए आपके पास ये अवकाश है, नहीं तो नहाने के बाद, क्योंकि हमारे समय पे तो साबुन से नहीं नहाया जाता था, साबुन बड़ी मुश्किल से मिला करता था, आजकल तो साबुन की इतनी सारी वैरायटी हैं, उसमें भी डव है वो अलग तरीके का है, बहुत सारी चीज़ें तरीके की होती हैं। तो यहाँ वर्णन करते हैं कि स्नातः अनुलिप्तश्च, नहाया हुआ और फिर से अनुलिप्त, यानी जिसने दोबारा से लेपन किया है, तो स्नान के बाद लेपन करने की प्रक्रिया नहीं होती है, स्नान के बाद लेपन नहीं किया जा सकता है, ऐसा तो सिर्फ एक ही प्राणी करता है, वह है हाथी। हाथी नहा के निकलेगा तो सबसे पहला काम करेगा अपने गीले शरीर के ऊपर मिट्टी भर भर के डालेगा, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत पतली होती है और मच्छर मक्खियाँ उसको बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि पूंछ छोटी सी, उड़ा सकता नहीं है, सूंड कहाँ तक घुमाएगा, इसलिए उसके शरीर पे मक्खी और मच्छर का कोई असर नहीं हो, इसलिए वो नहाने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है, अपने शरीर के ऊपर मिट्टी डाल दिया करता है। तो ये कार्य तो खाली हाथी के लिए है, मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए नहीं है, लेकिन तो दोनों पद में जब विशेषण होगा, तो विशेषण उभय पद का उदाहरण है। उपमान पूर्व पदम, पूर्व पद में उपमान हो, अब उपमान तो आप जानते हैं उपमेय और उपमान को, नहीं तो आप काव्य प्रकाश की वीडियो देखिए, आपको मालूम पड़ेगा, जिस हमेशा उपमान श्रेष्ठ होता है, आप ये मान लीजिए, आपको मोटी व्याख्या दे दें कि हमेशा उपमान श्रेष्ठ होता है, हम मुख की उपमा चंद्रमा के साथ जब देते हैं कि मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा सुंदर है, तो चंद्रमा श्रेष्ठ है, इसलिए हम मुख को चंद्रमा के साथ उसका साधारणीकरण करते हैं या उसको हम साधर्म उसका दिखाते हैं। तो जब पूर्व पद में उपमान होगा, घन इव श्याम घन श्याम, तो श्याम तो है लेकिन कैसा, बादल जैसा, इसलिए उसको घन श्याम कहा जाएगा। कर्पूर इव गौरा, कर्पूर गौरा, तो पूर्व पद में जो कर्पूर इव गौरा, गौर तो है पर कैसा गौर है, कपूर जैसा गौर है, तो उसको कर्पूर गौरा कहा जाएगा, तो उपमान पूर्व पद हुआ। उपमान उत्तर पद, उपमान उत्तर पद की जब हम बात करेंगे, तो पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुष तो है लेकिन कैसा है, व्याघ्र जैसा है, तो उसको पुरुष व्याघ्र कहा जाएगा। नरः सिंहः इव, इति नरसिंहः,
हम अगर इस तरीके से करेंगे, कर किशलया, हाथ तो हैं पर कैसे हैं, इतने कोमल हैं जैसे किशलय हों, सुंदर पत्ते हों, हैं कोमल पत्ते हों, तो उसको कर किशलय कहेंगे। हैं कमल नेत्रम, तो कमल नेत्रम में कमल जो है वो उपमान है, लेकिन वो जब पूर्व पद में आ जाएगा तो उपमान पूर्व पद का उदाहरण बनेगा, पर अगर हम नेत्र कमलम कह रहे हैं तो ये उत्तर उपमान उत्तर पद का उदाहरण बनेगा। संभावना और अवधारणा, देखिए गुण एव बुद्धि, गुण बुद्धि, भाई जैसे गुण हैं वैसी बुद्धि होगी तो गुण बुद्धि कहा जाएगा, तो ये एक संभावना है। जरूरी नहीं है कि सकल अच्छी हो तो बुद्धि भी व्यक्ति की अच्छी हो, ये भी जरूरी नहीं है कि जिनकी शक्लें अच्छी नहीं होती वो बड़े बुद्धिमान नहीं हुआ करते, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार लोग बोलते हैं कि कालिदास ने भी लिखा है कि इस प्रकार की आकृतियाँ जो हैं वो ज़्यादा दुख उठाने के लिए नहीं होती हैं, तो आकृति के हिसाब से ये तय होगा कि वो दुखी होगा या नहीं होगा अपने जीवन में। हाँ भैया, होता तो है और ऐसा होता है, इसीलिए लोग बाग देख के व्यक्ति को पसंद करते हैं, नहीं तो गुणों के आधार पर पसंदगी होनी चाहिए, लेकिन लोग यही समझते हैं। विषय पे आते हैं, गुण इव बुद्धि, यानी जैसे गुण है वैसी बुद्धि होगी तो उसको गुण बुद्धि कहा जाएगा। अवधारणा पूर्व पद की बात करते हैं, ये संभावना थी, ये निश्चितता नहीं है, लेकिन अवधारणा में निश्चितता होती है। विद्या एव धनम, विद्या ही धन है तो उसको विद्या धन कहा जाएगा। क्षमा शस्त्रम, क्षमा एव शस्त्रम, ये क्षमा शस्त्रम, क्षमा ही शस्त्र है तो उसको क्षमा शस्त्रम कहा जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको जो तत्पुरुष का पहला प्रकार है उसकी चर्चा की, कर्मधारय, ये तत्पुरुष का ही एक प्रकार माना जाता है। इसका एक अन्य प्रकार द्विगु समास को भी इसके अंतर्गत मानते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको जब थोड़ा सा समझाया था तभी ये चीज़ क्लियर हो गई थी, क्योंकि द्विगु समास की जो परिभाषा है वो है संख्या पूर्व द्विगु, पूर्व पद में संख्या हो तो उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि नवरात्रि शब्द है, नवानाम नात्रीणाम रात्रीणाम समाहारा नवरात्रि, नवानाम ग्रहणाम समाहारा नवग्रह, तो इसी प्रकार से शतानाम अब्दानाम समाहारा शताब्दी होगा, चतुर्णाम युगानाम समाहारा चतुर्युग होगा। तो इस प्रकार से जहाँ दो पद में से पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, एक चीज़ और समझिएगा कि तत्पुरुष समास की जो सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी वजह से कर्मधारय और द्विगु भी उसके अंतर्गत आते हैं वो है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा, तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है। कृष्ण सर्पा में सर्प तो है, काला तो है, लेकिन कौन सर्प, तो उत्तर पद की प्रधानता है। जब हम संख्या की बात करें तो संख्या भले पूर्व पद में है पर किसकी बात कर रहे हैं, नवरात्रि, तो रात्रि की बात है, नौ हों पाँच हों चार हों सात हों हो सकते हैं लेकिन बात रात्रि की हो रही है। नवग्रह कहते तो ग्रह महत्वपूर्ण है, नव तो संख्या वाचक है, चार ग्रह भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं, नवग्रह कहा गया तो नवग्रह कहा गया, पंचदेव तो पांच संख्या महत्वपूर्ण है, देवता महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से एक ये वैशिष्ट और इसका आपको जानना चाहिए। तत्पुरुष की बाकी का जो भाग है, क्योंकि हमने कर्मधारय और द्विगु आपको इसमें समझाया है, बाकी का तत्पुरुष का जो भाग है उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि शेषा तत्पुरुषो मता, बाकी सब कुछ तत्पुरुष में आ जाता है, तो विस्तार है इसका, तो अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद, मैं हूँ डॉक्टर हरिवास, चैनल से आप परिचित संस्कृत साहित्य।